Hello students, welcome back in your English class. As you know, our chapter 9, the bond of love is going on. And in this chapter, we are talking about a story related to a woman and a bear. So let's see what happens next. But before starting the story, we will see some word meanings. Porridge, it means khichdi ya dalia. Ingredients, it means component, jo samagri hoti hai. Regardless, it means anyway, in any case, beparwah. Condiments, it means a substance such as salt, mustard, that is used to add flavor to food. मीन्स जो मसाले होते हैं जो खाने में फ्लेवर डालने के लिए यूज किए जाते हैं. एरिएटेड, इट एरिएटेड वाटर, इट मीन्स सोडा वाटर. कई लोग खाना खाने के बाद में पीना पसंद करते हैं. लिकर, इट मीन्स एल्कोहल, जिसे शराब कहा जाता है. रैलिश, इट मीन्स ग्रेट इंजॉयमेंट. टेनेंट्स, टेनेंट्स होते हैं किराएदार. Befell, it means happen, घटित होना. Extent, it means size या area. Dragged, it means pull, घसीटना. Stumps, it means stump ही होता है. वैसे इस chapter में जो leg के ऊपर वाला हिस्सा है, knee से ऊपर वाला हिस्सा है, उसके लिए use किया जाएगा. Feverish, it means having or showing symptoms of a fever. इट मीन्स फीवर की, बुखार की जो सिम्टम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेवरिश. डैश, इट मीन्स पानी के छींटे. फ्लंडरिंग, इट मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव, चलने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना. रैपिडली, इट मीन्स फास्ट, बहुत तेजी से. हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मीनिंग होता है अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन. इट मीन्स इंजेक्शन देने के लिए जो लंबी सी सुई यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिक. स्टर्चर्स ब्रीदिंग, स्टर्चर्स ब्रीदिंग का मीनिंग होता है नोइजी ब्रीदिंग, बहुत तेजी से आवाज करते हुए सांस लेना. एज इन स्नोरिंग, जैसा कि खर्राटे भरते हैं, लाइक दैट. एंटीडॉट, इट मीन्स अ रेमेडी टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन. जो पॉइजन का असर होता है उसे कम करने के लिए जो दवा दी जाती है, उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया करने के लिए इलाज किया जाता है, दवाई दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीडॉट. डिस्टेनफुली, इट मीन्स स्कॉर्नफुली या हेटफुली, घृणापूर्वक, नफरत के साथ में. स्क्वील, इट मीन्स टू मेक अ श्रिल क्राय, एक जो चीख होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्वैल. फ्लैंक्स, द साइड ऑफ अ पर्सन और एनिमल्स बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप. जो रिब्स और हिप के बीच वाला एरिया है एनिमल्स और इंसानों का, दैट इज कॉल्ड फ्लैंक. हीविंग, इट मीन्स एक्सट्रीमली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भरा. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. टिल पैरा फिफ्थ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द स्टोरी एंड एज आई टोल्ड यू दैट द ऑथर फाइंड द कब इन अ सुगर केन फील्ड एंड ब्रॉट इट एट हिज होम एंड हिज वाइफ नेम्ड इट ब्रूनो. और जो ऑथर है उसे वो सुगर केन फील्ड में मिला था, वो उसे अपने घर ले आया था और उसकी वाइफ ने उसका नेम ब्रूना रखा था. नाउ लेट्स सी फ्रॉम पैरा सिक्स. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. ब्रूनो ने जल्द ही बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. ये केवल एक कदम था, पहला कदम था. जल्द ही उसने सब कुछ, कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और अगर सही शब्दों में कहें तो सब कुछ खाना और पीना उसने शुरू कर दिया. फोर ही एट पॉरिडीज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट.
स्पेशली पॉर्क, पॉर्क का मीनिंग होता है सुअर, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट मीन्स जल्द ही उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया. किसी भी चीज़ से बना हुआ दलिया या खिचड़ी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, और स्पेशली उसे सुअर का मीट पसंद था, करी चावल, और रिगार्डलेस वो चिली वगैरह भी खा लेता था, चिली, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट पोटैटो, सब कुछ उसने खाना शुरू कर दिया था. एज फॉर ड्रिंक, अगर पीने की बात करें, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहल लिक्यूर, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश. कि अगर पीने की बात करें तो वो सब कुछ पीना भी स्टार्ट कर चुका था. वो दूध पीता था, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, जैसा कि मैंने बताया था, एरिएटेड वाटर मीन्स सोडा वाटर, सोडा वाटर, लस्सी, बियर, एल्कोहल लिकर, जो शराब होती है वो भी वो पी लेता था. उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें खाने और पीने लग गया था, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था सब खा रहा था वो. इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, और ये सभी चीज़ें बड़े स्वाद के साथ में खाता था और पीता था वो. द बियर बिकम वेरी अटैच्ड टू आर टू एलेस्टियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो. द बियर बिकम वेरी अटैच्ड टू आर टू अल्शेशियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टेनेंट्स. टेनेंट्स किराएदार होते हैं. लिविंग इन आर बंगलो, कि जो बियर था वो जल्द ही हमारे जो दो पालतू कुत्ते थे, जो पालतू अल्शेशियन डॉग्स थे, डॉग्स की एक ब्रीड होती है, एक नस्ल होती है, तो अल्शेशियन जो डॉग्स थे इनके घर में, तो उनके साथ में और किराएदार के जितने भी बच्चे थे जो उनके बंगलों में रहते थे उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था. He was left quite free in his younger days. जब वो छोटा था तो उसे बिल्कुल फ्री छोड़ा गया था, पिंजरे वगैरह में नहीं रखा गया था. And spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. और वो अपना जो सारा टाइम था वो खेलने में, दौड़ने में, किचन में जाने में और हमारे बेड्स के अंदर सोने में बिताता था. It means in whole day he run, play and sleep. One day an accident befell him. एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटी. It means एक accident हुआ. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. जो writer है वो बता रहे हैं, जो author है वो बता रहे हैं कि एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटी. मैंने, इट मीन्स राइटर ने एक पॉइजन जहर, जिसे कि जो कि नेम बताया है उन्होंने, बैरियम कार्बोनेट, जिसका यूज़ चूहे को मारने के लिए किया जाता है, उसे अपनी लाइब्रेरी में रखा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, जैसा कि ब्रूनो अक्सर करता था वो लाइब्रेरी के अंदर चला गया. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. और उसने कुछ poison खा लिया क्योंकि उसकी habit थी, everything he want to eat. वो सब कुछ खाना चाहता था और सब कुछ उसे tasty लगता था, so उसने poison भी खा लिया. Paralysis sat in the extent that he could not stand on his feet. और अचानक उसे paralysis हुआ, जैसे ही उस पॉइजन का इफेक्ट हुआ उसकी बॉडी पर, उसे पैरालाइज हो गया और उसके जो पैर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया. अब वो खड़ा नहीं हो सकता था अपने पैरों पर. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, और जो उसके स्टम्प्स थे वो उन पर घसीटता हुआ टू माई वाइफ, अब मेरी वाइफ के पास पहुँचा. हु कॉल्ड मी, और मेरी वाइफ घबरा गई और उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया, मुझे बता दिया इसके बारे में. आई गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड, मैंने अनुमान लगा लिया उसकी कंडीशन को देखते ही क्या हुआ होगा. ऑफ आई रिफ्यूज्ड सॉरी रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और मैं तुरंत उसे लेकर वेट
ये डॉक्टर होते हैं एनिमल्स के, वेटनरी, तो मैं तुरंत उसे एक जानवरों के डॉक्टर के घर पर लेकर गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। एक पॉइजनिंग का केस है, एक पालतू बियर ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। आउट कम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन। और फिर वो जो डॉक्टर है, जो वेट है, वो बहुत सारी अपनी मेडिकल की बुक्स के साथ में और उनके जो इंडेक्स दिया गया था वहाँ से शुरू करता है, उसमें सर्च करने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा होता है कि किसी पैट ने या किसी बियर ने पॉइजन बेरियम कार्बोनेट खा लिया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब वो सर्च कर रहा है अपनी बुक्स में। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, वो अगेन राइटर से पूछता है कि कौन से पॉइजन की बात कर रहे थे आप। बैरियम कार्बोनेट, कि बैरियम कार्बोनेट, आ यस बैरियम सॉल्ट्स आ बैरियम कार्बोनेट सिम्टम्स पैरालिसिस। वो उसे बुक के अंदर मिल जाता है और वो बताता है कि बैरियम कार्बोनेट खाने पर सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ, और वो जो किसी मेडिसिन का नेम बोलता है। आफ्टर दैट तो फटाफट वो उस मेडिसिन को लेने जाता है। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सीरीन्स एंड द मेडिसिन। कि एक मिनट वेट करिए सर, मैं अपनी सीरीन्स यानी इंजेक्शन और दवाई लेकर आता हूँ, क्योंकि इसे दवाई मिल गई थी कि कौन से ट्रीटमेंट, कौन से रेमेडी अब काम करने वाली है। अ डैश बैक टू द कार, वो दौड़कर कार के डैश में, डैशबोर्ड होता है कार के अंदर, वहाँ जाता है। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, जो ब्रूनो है वो अभी भी संघर्ष कर रहा था अपने स्टम्प्स पर, इट मीन्स उसके जो लेग्स थे वो अभी भी काम नहीं कर रहे थे। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। सम वॉमिटिंग, हैव ए ब्रीदिंग विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, कि उसे थोड़ी उल्टी भी हुई थी और बहुत ही भारी सांसें चल रही थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी। और उसके जो फ्लैंक्स हैं, एज आई टोल्ड यू, फ्लैंक्स जो होते हैं वो रिब और हिप के बीच वाला एरिया होता है एनिमल्स और जानवरों में, वो भी बहुत तेज़ी से हिल रहे थे। और उसके माउथ भी खुला हुआ था। होल्ड हिम एवरीबडी, जो डॉक्टर है वो मेडिसिन और सीरिंज ले आते हैं और अपना जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इसे पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स, जैसे ही हाइपोडर्मिक, मैंने बताया था सुई होती है जो कि लंबी सुई होती है जो कि बॉडी के अंदर स्किन के नीचे जाती है, उसके जाते ही ब्रूनो स्क्वेल करता है, जोर से चीखता है। 10 cc ऑफ द एंटीडॉट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 cc की जो एंटीबायोटिक है, एंटीडॉट है, सॉरी, एंटीडॉट उसकी बॉडी में एंटर करती है बिना किस एक ड्रॉप भी वेस्ट किए। इट मीन्स कंप्लीट जो दवाई है वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, 10 मिनट वो लोग वेट करते हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट द कंडीशन इज अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होता है, उसकी कंडीशन वैसी ही है, उसके लेग्स काम नहीं कर रहे हैं, उसकी तेज तेज सांसें चल रही हैं। अनादर 10 cc इंजेक्टेड, फिर 10 cc और इंजेक्ट की जाती है उसकी बॉडी में। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टचरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स एज अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। जो 10 मिनट फिर से वेट करते हैं, उसकी जो सांसें हैं वो थोड़ा धीरे हो जाती हैं, उनकी आवाज़ जो है वो धीमी पड़ जाती है, जो वो जोर जोर से खर्राटे की तरह आवाज़ कर रहा था वो बंद हो जाती है। उसके हाथ और पैर थोड़ा हिलने लगते हैं, लेकिन वो अभी भी खड़ा नहीं हो सकता था, अपने खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, लगभग 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हिज ग्रेट फीड, सॉरी, एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। ब्रूनो 30 मिनट बाद में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, इट मीन्स उसकी कंडीशन जो है वो बेटर हो जाती है, उसके लेग्स और आर्म्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। और जो ब्रूनो है वो खाना शुरू कर देता है। ही लुक्स एट अस
डिसडेनफुली वो हमारी तरफ बहुत ही नफरत से देखता है कि तुमने क्या खिला दिया था मुझे, एज मच एज टू से, जैसे कि वो कहना चाहता हो व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े से काले बियर का क्या कर सकता है, कुछ नहीं, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और जो ब्रूनो था वो अभी भी खा रहा था और कंटिन्यू वो बहुत सारा खाना खाता है क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने कुछ नहीं खाया था. एंड डियर स्टूडेंट्स, जो बियर होते हैं वो काफ़ी लेजी होते हैं और बहुत ज़्यादा खाने वाले एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं वो. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टिल हियर, रिमेन पार्ट वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.